देखिए दोस्तों, इस गांव की बाहर और ताज़ा स्थिति है, ये कोई मतलब झूठ नहीं, अब्बा नहीं, आप खुद ही मतलब आपको मैं ज़मीनी हकीकत दिखाने का काम कर रहा हूँ। यहाँ पे जानवर वगैरह भैंस वगैरह बनती थी, मगर यहाँ पे कोई जगह नहीं रही, अब कहाँ पे बनेगी कहाँ पे नहीं। अब इधर देखिए काफ़ी मतलब पानी है, बहाव है, मैं आपको जानकारी दिलाऊँगा। सबसे पहले मैं अपनी माता जी से पूछूँगा। माता जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। चमेली। आपकी कितनी उम्र है लगभग? 70 की। अच्छा, 80 मतलब 80-85। हाँ। मतलब कंफर्म नहीं, माता जी को अपनी उम्र ध्यान नहीं। ये बताइए, ऐसी बारिश कभी जिंदगी में हुई या नहीं हुई? भाई हमारे एक बार गौतिया भाग गई। अच्छा, फिर नहीं भाई, फिर दोबारा ये स्थिति आई। हाँ दोबारा, मगर यहाँ कोई देखने आया अभी तक नहीं आया? नहीं आया कोई, नहीं। आप लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है? कोई नहीं, ना गंज के आए, ना मेहुना के आए, ना के नहीं आए, चाहूँ डूबा। आपको 60 साल वगैरह पेंशन मिलती है? हमें 60 साल मिल रहा हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात। सिलेंडर मिला? सिलेंडर नहीं मिला। अच्छा, आप अपना नाम बताइए जरा। हमारा टुकोली ना हुआ है। तेज से बोलिए। टुकोली ना हुआ है। टुकोली। हाँ। आप मतलब आपको कितनी दिक्कत हो रही है? दिक्कत बहुत हो रही है कि अब शमशाका चली गई, पानी भरो, बेटा हम तो बहुत परेशान है, समझ लो। हमारा पति है वो पागल है, उसको फोटो ले जाइयो। अच्छा, पागल है, पागल है। और आप अपना नाम बताइए। हमारो उर्मिला देवी। उर्मिला देवी, आपको बताइए। हमारे तलिया और ले गए, लकड़िया और ले गए, कंडा और ले गए, पौए बेफानी में बंधे हैं, ये कहां बांध है? आप देखना होता ही ना है। आप देख रहे हैं कि बता रहे हैं इनकी मतलब हर चीज रिल रही है, मतलब सब चले आएंगे। अब देखना कोई ना आए, छत डूब बताएंगे। अच्छा, अब मतलब जब वोट मांगने के टाइम आते तो सारे लोग आते, सारे लोग आते, अब कोई देखन ना आया होती। जब वोट डालने का टाइम आता है तो सारे अधिकारी साथे अरे नेता लोग यहाँ आते हैं, मगर अब यहाँ जो हो रही है, यहाँ पे बहुत दिक्कत हो रही। बच्ची का कहना है यहाँ पे बहुत दिक्कत हो रही है, आप खुद ही इन लोगों का दर्द समझ सकते हैं कि। और इधर आप अपना नाम बता दीजिए जरा। आपको यहाँ पे कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत होती है, आप खुद ही समझ रहे हैं कि यहाँ पे बहुत दिक्कत है कि रात में कोई ना कोई दिक्कत होती है। यहाँ पे सांप वगैरह कीड़ा वगैरह भी आ सकते हैं इन लोगों को, सांप लिखा रहेंगे ना, बहुत सांप, मतलब कि उन्हें सूखी जगह चाहिए, कि बहुत दिक्कत हो रही है। कि आप इधर से इधर दिखा दीजिए जरा आगे बढ़ के, मैं कैमरा पर्सन से अनुरोध करूंगा जरा आगे बढ़ के इधर दिखाइए कि चारों तरफ आप खुद ही देख सकते हैं, सैलाब ही सैलाब, पानी पानी नजर आ रहा है। और बने रहिए वीडियो के एंड तक। देखिए दोस्तों, इस गांव में, इस घर में देखिए चारों तरफ पानी, मगर भैया ने यहां पर इतना ऊंचा कर रखा है टीन जिससे पानी ना आए, क्योंकि इनके छोटे छोटे बच्चे देख लीजिए बेचारे कैसे खाना खा रहे हैं। मतलब देखिए इनका चूल्हा देखिए, बता रहे इनका ईंधन भी बिक गया है सबको। जब बताइए इन्हें, हमें लग रहा है कि न्यू जिला योजना सिलेंडर भी नहीं मिलेगा। मैं भैया से खुद ही, भैया सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए जरा। जी मैं रामनाथ गोंठिया, रामेश्वरगंज। कैसे बोलिए जरा? मैं रामनाथ गोंठिया, रामेश्वरगंज। कोई भी साधन नहीं बचा है। अच्छा, हाँ, लिखने की भी रास्ता नहीं है। अच्छा, ये बताइए यहाँ कोई अगर अधिकारी वगैरह मतलब उच्च अधिकारी वगैरह यहाँ आया अभी तक? कोई भी नहीं आया अधिकारी है, देखने को भी नहीं आया। तो आपको कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? बहुत दिक्कत आ रही है, पूरे गांव को आ रही है दिक्कत। भैया पूरे गांव को ये दिक्कत है, मतलब जाए तो कहाँ जाए? और इधर देखिए, और आपको मतलब कोई सुविधा सरकार की तरफ से मिली है या नहीं? कुछ ना मिली है सरकार की तरफ से। और जो सिलेंडर वगैरह आपको मिला है? नहीं मिला। ये भी नहीं मिला है। ये भी नहीं मिला। कोई पेंशन वगैरह मिल रही है आपको? कुछ नहीं मिल रही है। सामान्य निधि मिल रही है? नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही है। और देखिए मैं आपको आंटी जी से बात कर रहा हूँ, आप अपना नाम बता दीजिए। क्या नाम है आपका? नन्नी। नन्नी, आपको कितनी दिक्कत हो रही है? बरसात हो रही है, मतलब पानी इतना छोड़ा गया, आपके घर में आने की संभावना है? बहुत दिक्कत होती है, पानी में भरो सब है। और ये बताइए यहाँ पे मतलब इस पानी में कोई जानवर वगैरह सांप वगैरह वो तो नहीं आते हैं? आते ना है। अच्छा, बहुत दिक्कत हो रही है, आप खुद ही देख सकते हैं। मैं आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ कि आप आइए यहाँ एक बार जरूर देखिए। देखिए भैया, अब मैं इससे मतलब इस पानी से निकल रहा हूँ, आप देखिए यहाँ पे कितनी तेज धार चल रही है। देखिए बच्चे छोटे छोटे बेचारे कैसे निकल रहे हैं। देखिए आप इधर देखिए, काफ़ी दिक्कत। देखिए हम भी सारा भीग गए हैं। और आगे दिखाइए जरा, देखिए यहाँ पे पानी का बहाव, सारे समर के बच्चे, बहुत तेज पानी का बहाव चल रहा है। यहाँ पे नाली वगैरह है, देखिए। देखिए दोस्तों, मैं अपनी, देखिए भैया इस गांव की स्थिति आप देखिए भैया लोगों की, कि घर में पानी आ गया है। इधर देखिए, बता रहे कि मैंने सुना कि इनकी, बता रहे कि कुटिया भी चली गई। और इधर मैं कुछ माता जी मिल गई उनसे,
आप अपना नाम बता दीजिए जरा। बबली। बबली जी बताइए आपको कब से दिक्कत हो रही है? बहुत दिन से हो रही है। और आपको मतलब यहाँ कहीं जाना पड़े दवा वगैरह अगर कोई तकलीफ हो तो कैसे जाओगे? कैसे जाएंगे, कैसे ना जा पाएंगे पानी में तो कैसे जाएंगे? बता रहे हैं कि यहाँ अगर कोई इन्हें बीमारी हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए एक्स वाई जेड, तो ये लोग कैसे दवा लेने जाएंगे? यहाँ कोई निकास की व्यवस्था भी नहीं है। आप अपना शुभ नाम बता दीजिए। कमला। कमला ये बताइए आप यहाँ मतलब कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? बहुत दिक्कत है, सबसे यहाँ दिक्कत है, दिक्कत देख। अच्छा, मतलब तब से आप लोग यहाँ पे इतना देखिए आप कि इन लोगों ने इतना यहाँ पे ऊंचा कर रखा है फिर भी यहाँ पे पानी आ रहा है। खाना बनाने के लिए दिक्कत हो रही है, को मिलना नहीं। अच्छा खाना आपको मतलब, मैं आप इधर आगे बढ़ के आइए जरा, खाना बनाने की दिक्कत हो रही है आपको, इधर आ जाइए जरा। खाना बन ही नहीं रहा तो दिक्कत होगी ना। और ये बताइए ये मैं आपका चूल्हा दिख रहा है, इधर चूल्हा दिखाइए कि ये चूल्हा दिख रहा है, ये बताइए आपको जो सिलेंडर क्यों नहीं मिला? सिलेंडर मिला नहीं मिला? नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। प्रधानमंत्री जी आपकी उज्ज्वला योजना मुझे विफल दिख रही है कि देखिए आप सामने जो सिलेंडर मतलब इनको नहीं मिला है, देखिए ये मतलब चूल्हे पे खाना बना रही हैं। अब ये बताइए आपको मतलब गैस सिलेंडर मिला नहीं मिला? नहीं मिला। आप अपना नाम बताइए। रिंकी। रिंकी जी ये बताइए यहाँ आपको कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत होती है, लकड़ियां। कोई भी सुविधा मिली सरकार की तरफ से? कछु ना सुविधा मिली, सिलेंडर वगैरह कुछ? सिलेंडर कछु ना मिले। आप खुद ही सुन सकते हैं कि ये जमीनी है कहते हैं, इन लोगों को कोई भी सुविधा, कोई भी राहत सामग्री नहीं मिली है। इस गांव में अभी तक कोई भी नहीं आया है क्योंकि अब ये बताइए कि इनका सारा जो ईंधन होता है खाना बनाने के, लकड़ी वगैरह सब भीग गई है, इन पे सिलेंडर भी नहीं है। अब ये लोग कैसे खाना बनाएंगे, कैसे खाएंगे? अब बताओ, अब बाली बच्चा देखिए छोटे छोटे हैं, खुद ही आप देखिए पानी में घुस रहे हैं। अभी बताइए रात में अगर इन्हें उठ के चले जाए तो ये बेचारे भूखे हैं, सुबह से बता रहे खाना बनने की जगह नहीं कि कोई भी सामान लाए तो मतलब कैसे लाए कि बाढ़ इधर कोई आए भाई, इन लोगों की मदद करें, मैं यही अनुरोध करना चाह रहा हूँ। इधर आप देखिए दूर दूर तक, इधर जरा दिखाइए आप, यहाँ पे देखिए इन लोगों के जानवर बंधे हुए हैं। इन्होंने फिर बता रहे हैं कि मैंने यहाँ पे मट्टी डाली ऊंचा किया फिर मतलब ये जानवर बंधे हैं। देखिए शौचालय की व्यवस्था देखिए, यहाँ पे बिल्कुल चारों तरफ आपको पानी ही पानी दिख रहा है। अब बच्चे बेचारे तरस रहे हैं बाहर जाने को, खेलने को। यहाँ की पढ़ाई व्यवस्था भी चौपट हो गई, स्कूल भी बंद है, मैंने आपको स्कूल दिखाया। अब कहाँ से लोग आएंगे, कहाँ से नहीं आएंगे? आप आइए यहाँ पे दौड़ा करिए, इनकी हर संभव मुझे बता रहे हैं। आपके बच्चों को खाना वगैरह मिला अभी तक? हमारे बच्चों को अभी कुछ नहीं मिला है, यहाँ बनाए कहाँ से है, कहाँ से लकड़ी लाएंगे, कहाँ से कंडा लाएंगे, कैसे बनाएंगे? देखिए सुन रहे हो आपके यहाँ पे इन लोगों के पास ना लकड़ी है ना मतलब कोई व्यवस्था ही कि ये खाना बनाए तो कैसे बनाए। आप खुद ही सोच सकते हैं कि मतलब ये बेचारे छोटे छोटे जरा नन्हे नन्हे बच्चे देखिए आप, इधर दिखाइए बच्चों को। कंडा सब चला गया आइले में, तो बनाए कहाँ से? सब पानी में मतलब आइले में मतलब जो उनके कंडा वगैरह खाना बनाने वाले सब कुछ चले गए। और इधर देखिए आप कि मुझे तो खुद ही दिक्कत हो रही है कि मैं पानी में कहीं गिर ना जाऊं। मैं आपको बता नहीं सकता कि यहाँ अभी तक कोई नहीं आया। अधिकारी से मेरा अनुरोध है कि आप लोग आइए यहाँ, देखिए देखिए बता रहे हैं भैया ये मतलब ये डल्लप है जो वो भैंसों से चलता है कि इस पे लोग रात में बता रहे कि मैंने इसी पे बिस्तर लेगा, अगर पानी बरसात होती तो भैया को बहुत दिक्कत होती, आप खुद ही देख सकते हैं।